मुजफ्फरनगर जनपद में चल रही सेना की अग्निवीर भर्ती में फर्जी कागजात तैयार कर धोखे से अभ्यर्थियों को भर्ती कराने में मदद करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आर्मी इंटेलिजेंस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 धोखेबाजों को अरेस्ट किया। उनके कब्जे से लाखों रुपए और फर्जी कागजात बरामद किए गए। दरअसल वेस्ट यूपी के 13 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए मुजफ्फरनगर के चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 20 सितंबर से सेना में अग्निवीर भर्ती प्रारंभ की गई थी। भर्ती की शुरुआत से ही आर्मी इंटेलिजेंस सक्रिय हो गई थी। भर्ती में फर्जीवाड़ा कर अभ्यर्थियों को भर्ती में मदद करने और ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आर्मी इंटेलिजेंस और थाना सिविल लाइन पुलिस ने गंभीरता से कदम उठाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। SPCD अर्पित विजय वर्गे ने बताया कि संयुक्त कार्रवाई करते हुए सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए रुपये लेकर कम उम्र के और अन्य फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों को दबोचा गया। आप लोगों को अवगत कराने की, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जनपद मुजफ्फरनगर में अभी अग्निवीर भर्ती अभी चल रही है, जो कि 10 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें थाना सिविल लाइन पुलिस की टीम ने और जो हमारी आर्मी इंटेलिजेंस की टीम है मेरठ की, उनके सहयोग से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह की एक गिरोह को संचालित करते थे। इसमें 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम हैं सिकंदर, अनुज चौधरी, प्रशांत चौधरी, हिमांशु चौधरी। सिकंदर जनपद बागपत के रहने वाले हैं, अनुज जनपद मुरादाबाद के, और प्रशांत और हिमांशु जनपद संभल के रहने वाले हैं। अभी तक की जो प्रारंभिक हमने इनसे पूछताछ की है उसमें ये तथ्य आया है कि ये जो भी अभ्यर्थी होते थे जिनकी एज या तो ज़्यादा होती थी या डॉक्यूमेंट्स में कमी होती थी, ये उनको टारगेट करते थे, उनसे संपर्क करते थे और उनको कहते थे कि हम ये इन चीज़ की पूर्ति कर देंगे और उसका एवज में इनसे 1.5 से 2 लाख रुपये ही लेते थे। इनके पास से हमें 2 मार्कशीट, 2 आधार कार्ड जो कि पूरे फर्जी हैं वो मिले हैं, एक परिचय पत्र मिला है जो कि असली है, एक आधार कार्ड और लगभग 2,35,000 रुपये जो कि अलग अलग लोगों से इन्होंने लिए होंगे वो हमने इनसे बरामद किए हैं। और अभी हम उनसे और जानकारी कर रहे हैं कितने और कैंडिडेट्स को इन्होंने टारगेट किया है और उनसे पैसे लिए हैं, वो भी अब आगे जैसे भी। सर अभी तक कितने कैंडिडेट सामने आए हैं? अभी तक 2-3 कैंडिडेट सामने। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके द्वारा ऐसे युवक जिनके कागजात पूरे नहीं हैं अथवा उम्र अधिक हो गई है को तलाश कर उनके कागजात फर्जी तरीके से पूरे करके भर्ती करवाते हैं और वे इस काम के 1.5 से 2 लाख रुपए लेते हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।